सो 5वीं बार गोवा जाने का क्या रीज़न था? कई बार मैंने सोचा कि भाई गोवा में कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं, एंड इस बार जो होने वाला था वो मैं खुद भी प्लान नहीं कर सकता था। ये ट्रिप पे मैंने सोचा था कि हम पहले मस्ती करेंगे और फुल ऑन मज़े। सो हमने बुक की हमारी फेवरेट कार थार, और भाई गोवा में थार चलाने का अलग ही मज़ा है। ऊपर से ये जो बारिश हो रही थी, हाँ हाँ डेफिनेटली हमने सेफ्टी मेंटेन रखी, बट भाई बहुत ही एपिक मज़े आ रहे थे रोड पे। बढ़िया रूम, बढ़िया रूम, काफ़ी बढ़िया रूम। इट्स द सेम रूम जहाँ पहले आए थे। एंड मैं पहले तुम लोगों को दिखाता हूँ बाथरूम। तुम लोगों को सबसे पहले बाथरूम देखना होता है, देख लो कोई नहीं है बाथरूम में। बाथरूम चंगा है, ठीक है, साफ सुथरा है, ठीक है, दो लोग। ओ हाय। सो होटल लाविडा में चेक इन करने के बाद हमने फिर किया बागा बीच का ट्रिप। दस दस आठ दस वेव्स के बाद एक वेव आ रही है जो बढ़िया हो रही है, चड्डी तक पहुंच रही है। वेव चड्डी तक पहुंचना इज द थ्रेशोल्ड राइट फॉर अ गुड वेव। बट अगली सुबह तो असली मजे आने वाले थे। पूल में थोड़ा सा छपाक छपाक करने के बाद, ट्राइसेप्स का वर्कआउट करने के बाद हम होते हैं रेडी, और एक अंडररेटेड सी प्लेस के लिए हम निकल पड़े। की मस्त बारिश हो रही है और रोड बड़ी प्यारी है। हम जा रहे हैं कोला बीच, एंड रास्ते बड़े अच्छे हैं यार, देख रहे हो हर तरफ चारों तरफ पेड़ पेड़ है, हरियाली है, और वेरी वेरी पीसफुल मैन, वेरी पीसफुल। भाई चेक दिस आउट यार, व्हाट इज दिस मैन। वैसे मौसम एकदम खतरनाक हो चुका है, बारिश वारिश चल रही है यार, और इतना मजा आ रहा है ना यहाँ पे कार चलाने में बारिश में। रोड्स काफी अच्छी, बट द ओनली प्रॉब्लम इज यार कि हम बीच पे निकल नहीं पाएंगे। हमने पीछे वो रखी है एक फुटबॉल, मैंने अगर पीछे तो दिखाएगा, पीछे फुटबॉल रखी होगी, मैं नहीं दिखाऊंगा। एंड भाई चेक दिस आउट, वो देख वादियां देख, बेहतरीन, काफी बेहतरीन है, मजा आ रहा है। बट द ओनली थिंग इज कि थोड़ी सी बारिश हो गई, रियली होगी यार बारिश आगे आगे थोड़ी बंद हो जाए। Something I'm gonna show you something, भाई amazing है भाई, ये इतनी हरामी चीज है मैं तुम्हें बता सकता। विनय जस्ट कैमरा इधर कर भाई, ये देख रोड है, पहले देख रोड है, फिर ये हो गया अपना पेड़, एंड यू कैन सी ओवर देयर, मुझे पता ही तुम्हें दिख नहीं रहा है भाई, दैट इज द ओशन, और वो ऊपर आसमान है, और मैं तुझे इतना डेंजरसली रास्ते में रोक के ये चीज शूट कर रहा हूँ ना, I shouldn't be stopping over here, but man this is something amazing। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलते। I'm not usually so psyched up for places, but यार ये तो भाई बेटी मतलब मजे कर दिए भाई, मजे कर दिए भाई। वो है यार ओशन, मतलब मैं ये सोचा था कि यहाँ पे राइट में जो बंदो लोगों के घर है यार, वो लोग क्या देखते होंगे, मतलब वो छत पे चढ़ रहे हैं उनको ओशन दिख रहा है। अर्थ कर्वी है ना यार, ऐसे 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 राउंड है ना यार, तो ये आसमान में कैसे पानी है। और भाई मैं बता रहा हूँ, मेरा रिटायरमेंट प्लान सेट है, इधर में प्लॉट ले लिया, ये मेरा प्लॉट है, दैट्स व्हाई आई एम गोना भाई, दैट्स द ओशन यार, मैं किड नहीं कर रहा हूँ, वो आसमान नहीं, वो लेजिट ओशन है। So, एक बड़ा वियर्ड सा टर्न हमने लिया है, और तुम्हें टर्न में दिखाता हूँ क्या है। ये देखो दिस इज द टर्न मैन, मैं भैया से पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि ये कोला बीच इधर से ही आना है कि नहीं आना है, पता नहीं देखते हैं। भैया कोला बीच, तो गाइस अगर तुम देखो तो दिस इज द रोड, एंड यहाँ पे हम अपनी कार चला रहे हैं, मतलब अमेजिंग है, आई डोंट नो।
वैसे मैंने पढ़ा था और वीडियोस में मैंने देखे थे कि कोला बीच जाने के लिए ना आपको ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है, सो यू नीड टू बी रेडी फॉर इट. सीधा जाना है कि लेफ्ट जाना है? सीधे चलते हैं. चल वो अंकल हमसे, अंकल से पूछते हैं. भाई 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 भाई, A few moments later. मुझे लग रहा है कि this would be amazing. ओबे, VVT बढ़िया है भाई. Okay, bro. Holy 4K. But edge पे ला दिया कार हमने. भाई साहब, ये ऑफ रोड ड्राइव करने के बाद जो व्यू दिखा वो तो कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग था. तुम देख ही सकते हो कि मेरे पास कोई भी वर्ड्स नहीं है यहाँ पे उस एक्सपीरियंस को बताने के लिए. बस मैं तो इन हवाओं का ही मज़ा ले रहा था. This is amazing. मुझे लगता है कि हमें नीचे जाके ना one of the best views मिलने वाला है और हम वहाँ पे खेलने वाले फुटबॉल. As you know, by talk football is the हम actually तो कर नहीं रहे यहाँ पे. Every place we go, we carry one football. Hi Vinay. Hello. So officially आप मिल लो, ये मेरा friend है, आराम खोर again. Liverpool fan, might have guessed it. But right now, अभी जो होने वाला, अभी जो सीन आने वाला, I think this is gonna be amazing यार. So let's head. सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा difficult है. मेक श्योर जब आप नेविगेशन लगाओ ना, तो जब आप रास्ते पे जाओ कोला बीच का, एक आपको राइट में टर्न साइन दिखेगा, उस साइन पे आपको मोड़ लेना है. ठीक है, आप मोड़ लोगे एंड यू विल कम बैक टू दिस ट्रेल एंड देन यहाँ से आपको वॉक करके आना है एंड यू विल बी ओवर हियर. इधर से लग रहा है कि व्हाइट कलर में एक लड़की आ रही है, मतलब व्हाइट कलर के कपड़े पहने की लड़की आ रही हो, ऐसे ऐसे करके भाग रही है पहाड़ इस पत्थरों के पीछे और उनकी फोटोशूट चल रहा है. बट मैन, आई एम गोना लीव इट राइट हियर फॉर यू टू एंजॉय दिस. विनय ले बेटी, बोल बोल. बॉल को उधर हम क्या कर रहे हैं? मैं तो यार इसमें कह रहा हूँ चलने को, चलना बड़ा मुश्किल है. बहुत मुश्किल है भाई, वेव्स आ रही है पूरी पूरी. उधर देखो क्या चल रहा है. So done. Oh. भाई epic. Can't describe. खोला बीच जरूर से आना, यहाँ पे ये सब करना, फुटबॉल लाना, फुटबॉल खेलना. और भीग चुके हैं पूरा. Now we are going back home. अब मोस्टली खाना वाना खाएंगे यार. बट दिस इज एपिक, मतलब ये जो कर लिया ना इसमें भाई मज़ा आ गया. हैवंट डन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर. आई होप आप लोग को मज़ा आया इसको देख के फुटबॉल खेलते हो. भाई उधर से सीढ़ियाँ नहीं है क्या? ओ सीढ़ी है. चलो भाई, सो सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं. आप लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो. मूव करते हैं. कोला बीच में मन भर के फुटबॉल खेलने के बाद और पानी में भीगने के बाद
हम चल रहे हैं अपने घर वापस। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज वेंज करके निकलेंगे सीधे कैलुंगेड बीच के लिए, बिकॉज हमें एक्सपीरियंस करना है यहाँ का सनसेट। बड़ी चीज़ हमने ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे गोवा में फुटबॉल का कल्चर बहुत ही अमेजिंग है। जिसके पैरों पे बॉल डाल दो वो भाई साहब नेमार बन जाता है। होला गाइस, कैलुंगेड बीच, मस्त माहौल, मस्त एक्सपीरियंस, और सनसेट के लिए वेट करते हुए लहरें तेज़ हो रही हैं और सभी लोगों की नज़रें, अगर तुम देखोगे सभी लोगों की नज़रें एक जगह है और वो भाई साहब, तो भाई इनक्रेडिबल इंडिया। बट एक चीज़ है जो मुझे तुम्हें दिखानी है, चेक दिस आउट। वीटी दिखा यार, दिखा, अरे मतलब दिखा, मतलब टैटू, टैटू यार, क्या है ये, क्या क्या, व्हाट इज दिस मैन? यू नेवर वॉक अलोन, आई एम अ लिवरपूल फैन। क्या है तू? लिवरपूल फैन है? यस। प्राउडली बोलना, ऐसे इसे घबरा क्यों रहा है? घबरा रहा देख रहा हूं मैं। मिला तुझे? ये देख ले, खुद ही देख ले। चल मिला तुझे? किस बुलवाता है कैमरे में, ऐसे मत बुलवाए कर कैमरे में, कैमरा शायद बंदा बहुत। और भाई TFHD फैम की तो क्या ही बात, जहाँ पे जाओ भाई लोग हमें मिल जरूर से जाते हैं, और इनके साथ रोंडो खेलने में तो बहुत मजा आया। तुम लोग सोच रहे हो कि नंगे क्यों हैं हम ऐसे? सो वी वर हेयर, ठीक है, ये एयरपोर्ट का एरिया है, ठीक है, और विनय भाई तो जीएश हाउ आर यू मैन? गुड। हाँ या, सो व्हाट वी डिड वाज वी केम बैक टू दिस प्लेस एंड वी सॉ भाई बंदे फुटबॉल खेल रहे, और हम लग गए फुटबॉल खेले एक घंटा, और यू वोंट बिलीव भाई यहाँ पे जमीन नहीं है, यहाँ पे ये रोड है, और इस पर रोड पर खेलने पर क्या दर्द होता है पैरों पर, और हम नंगे पैर खेल रहे थे, अभी तो चप्पल डाल ली। वीटी देख नंगे पैर है भाई, क्या लग रहा है भाई विनय? सस्ता जी है। फोटो। अबे अंकल मत बोले यार, भैया कौन सा ये अंकल? हाँ ठीक है, हमको अंकल नहीं बोल रहे, अंकल नहीं बोलने का। ठीक है तो हम फोटो ले लेते हैं, अबे ऐसे तो नहीं ले पाएंगे भैया, फोटो ले ले, आ जाओ यार, आ जाओ। हाँ ठीक है, फोटो ले ले। इतना दर्द करता है ना, मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर इन बंदों को ना जूते दे दो ना भाई, यार ये पेल देंगे। क्या फुटबॉल खेल रहे हैं भाई, क्या फुटबॉल खेल रहे हैं बंदे। सो सेंट जेसिंटो आइलैंड पे स्ट्रीट फुटबॉल खेलने के बाद हम निकल चुके थे स्ट्रेट फॉर फोंटेन हास, जो कि यहाँ पे पोर्तुगीज कॉलोनी है। एक बेहतरीन एरिया, काफ़ी साफ सुथरा, और विथ वैरिड कलर हाउसेज, कैफेज, पब्स एंड पेड़ ही पेड़। अगर आप गोवा आते हो तो फोंटेन हास में ज़रूर से आना, एक बहुत ही प्यारे एक्सपीरियंस के लिए, एंड दैट वाज दैट, कुछ डिफरेंट ऐसा जो कि यूजुअली लोग गोवा में नहीं करते हैं, बट यही तो हमारी स्पेशलिटी है, यूनिकनेस। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून। समथिंग बिग इज़ कमिंग। पीस आउट।